इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे रायपुर से मिल रही है। मांगे पूरी नहीं होने से नाराज छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दो दिवसीय अवकाश का उसने ऐलान कर दिया है। 2 एवं 3 नवंबर को काम बंद करेंगे ये तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग को सूचना दे दी है। संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग को लगातार कहा जा रहा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये फैसला लिया गया है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले स्वास्थ्य विभाग को जो ज्ञापन है वो सौंपा जा चुका था। उसके बाद भी अब तक इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, जिसके चलते इन्होंने काम बंद किए जाने की सूचना जारी कर दी है 2 और 3 नवंबर को। बता दें कि इन्होंने काम बंद किए जाने का ऐलान कर दिया है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को है और 5 दिन तक लगातार वहां पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और उसी दौरान ये फैसला स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारियों के द्वारा उठाया गया है। सरकार को मैसेज कन्वे करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, 17 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन पहले ही सौंपा जा चुका है, समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, जिसके चलते 2 और 3 तारीख को काम बंद रहेगा और 1 तारीख को प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। जी बिल्कुल, रस्ता हम बात करें ये कर्मचारियों की मांग को लेकर, तो कोरोना काल के स्टार्टिंग दौर से बात करें तो लगातार ये लोग बगैर छुट्टी के ओवर टाइम करके यहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, और इसको देखते हुए उन्हें अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए 17 सूत्री मांग स्वास्थ्य विभाग को मंत्री को लगातार वो सौंप चुके हैं। उनके कहने के मुताबिक वो 4 से 5 बार ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक उसमें किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए वो अपने मांग को अनदेखा करने के बाद वो फैसला लिए हैं कि हम काम रोक कर 2 दिवसीय आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले हैं। तो इस तरह जो लगातार कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मियों की अनदेखी हो रही है, उससे वो लोग आक्रोशित हैं, और साथ में उनका प्रदेश अध्यक्ष है, उनका साफ कहना है अगर इन 2 दिनों में सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो ऐसे में हम आगे क्या करना है, हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद हड़ताल में। लेकिन बड़ा सवाल सत्य ये भी है कि प्रदेश सरकार बेहद ही संवेदनशील है और इस तरह की स्थिति वो उत्पन्न नहीं होने देती, और प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव वो भी बेहद ही अति संवेदनशील हैं। इतने मर्तबा जिस तरह से इन्होंने अपने विभाग को ज्ञापन दिया है, उस क्या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन लैक है जहां जिस वजह से ये स्थिति अब निर्मित हो रही है? स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव तक ये बात नहीं पहुंचाई गई है क्या आला अधिकारियों के द्वारा, जिस वजह से 2 और 3 तारीख को ये सभी लोग काम बंद, 2 दिन का काम बंद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है क्योंकि ये जो ज्ञापन सौंपा गया है वो स्वास्थ्य विभाग संचालक को है और मेडिकल शिक्षा संचालक को सौंपा गया है, तो कहीं ना कहीं एक बार अगर होता है तो ऐसे में कहा जाएगा कि अधिकारी इस पे ध्यान नहीं देंगे। लगातार 2-3 महीने से ये लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं क्योंकि मामला ये ऐसा है कि वो अपने जान जोखिम में डाल के लगातार कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं, वो घर में जा रहे हैं, क्वारंटाइन सिस्टम खत्म कर दिया गया है, तो घर जा रहे हैं, घर में उनके परिजन संक्रमित हो रहे हैं, उनकी मौत हो रही है ऐसा उनका कहना है, और मौत होने के बाद जो सुविधा मिलना चाहिए, जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो वहां पे उनके जगह पे नौकरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो तमाम मांगे हैं और जो वेतन विसंगति है, ये तमाम मांगों को लेकर लगातार ज्ञापन सौंपा गया है, तो कहीं ना कहीं ये बात वहां तक पहुंची है, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लेना एक सोचा जा सकता है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग लगातार और अन्य जो कर्मचारी हैं, जैसे हम संविदा डॉक्टरों की बात करें तो कुछ दिन पहले वो लोग हड़ताल में थे, फिर 5 दिन हड़ताल के बाद उन्हें मनाया गया, कुछ शर्तों के अधीन उनके हड़ताल को खत्म कराया गया, तो ये हड़ताल ही एक विकल्प दिख रहा है। लगातार अगर हम कर्मचारियों की विरोध प्रदर्शन और मांग की बात करें तो मांग में सीधी सुनवाई नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा।